Okay, good afternoon. Good afternoon. Naraaz hain? So welcome to operation management classes. पहले सुना है सब्जेक्ट के बारे में? क्या सुना है? किसी से कुछ सुना है कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या है? एकदम नहीं सुना? कोई भैया दीदी कुछ नहीं बताया कभी? स्टैट्स बेस्ड है. अच्छा, ओके. और कुछ किसी से सुना है, भैया दीदी दोस्त, ओएम सब्जेक्ट के बारे में? नहीं सुना है? कुछ भी नहीं सुना है? थ्योरी है. और एकदम नया सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है. ऐसा सब्जेक्ट आपने कभी पहले पढ़ा नहीं अपने एकेडमिक्स में, और ना ही आपके इंटरमीडिएट के बाद ये वापस आता है. इंटरमीडिएट में ही है, इसका कुछ एप्लीकेशन आपका फाइनल का सिलेबस में कॉस्ट पेपर में आता है. इसमें जो पढ़ते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन सीएमए फाइनल में जब आके कॉस्टिंग पेपर पढ़ते हैं उसमें आता है. ओके, सो ये कितने मार्क का पेपर आपके एग्जाम में ये मालूम है? ये 70 मार्क्स का है. इसके साथ एक और कौन सा पेपर आता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. वो कितना मार्क का है? 30 मार्क का है. सर वो कैसा सब्जेक्ट है? वो एकदम प्लेन सिंपल थ्योरी है. आप लोग उसके लिए भी अगर एनरोल किए होंगे तो हम लोग उसका भी लाइव में क्लास नहीं चला रहे, अभी उसका खाली वीडियो क्लास चल रहा है. क्योंकि वो इतना सिंपल थ्योरी है कि ऐसा सच अभी जरूरत नहीं पड़ा है कि उसको लाइव में वापस चलाएं. SM 30 मार्क्स का जो भी आएगा वो हमारा जो वहां पे 10 क्लास का कंटेंट बना हुआ है उसी के अंदर से आता है, तो उसको कोई टेंशन देने का कोई काम ही नहीं है. ऑपरेशन मैनेजमेंट में इस 70 मार्क में किसी को पता है प्रैक्टिकल कितना आता है, थ्योरी कितना आता है? कोई आइडिया है? नहीं है. इस 70 मार्क्स में प्रैक्टिकल मान लीजिए 50% है, थ्योरी 50% है. अब थ्योरी का वेटेज बहुत ज्यादा है ना. कभी कभी ऑकवर्ड सिनेरियो होता है, मतलब थ्योरी ज्यादा आ जाता है 50% से भी, और उसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा आ जाएगा. हालांकि आप जो मेरे से पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो CMA इंटर न्यू सिलेबस, है ना. न्यू सिलेबस का अभी तक कितना एग्जाम हुआ है ये पता है आपको? 2 एग्जाम हुआ है. तो हम जो आपको बता रहे हैं वो 2 एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं. और ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट वैसे बहुत सालों से है, उसके साथ IS बोल के पहले सब्जेक्ट होता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम. उस समय ऑपरेशन मैनेजमेंट कितना मार्क का था मालूम है? मालूम है? एक बार 50 मार्क्स का हुआ करता था, फिर 60 मार्क्स का हुआ करता था, अब 70 का आ गया. ओके, तो उस समय भी ऐसा ही सिनेरियो था कि प्रैक्टिकल और थ्योरी आधा आधा था. अब आपके एग्जाम में क्या होगा ये इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया कि हम इतना प्रैक्टिकल पूछेंगे इतना थ्योरी पूछेंगे. जस्ट हमारे एक्सपीरियंस हम आपको बता सकते हैं कि 50% थ्योरी होगा, 50% प्रैक्टिकल होगा. ये थ्योरी जो है इसका कोई डेडिकेटेड एज सच कोई क्लास नहीं होता है. हम लोग जब प्रैक्टिकल पढ़ते हैं ना तो टॉपिक को इस तरह से पढ़ते हैं कि उसका थ्योरी भी आपका कवर हो जाए. उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक थ्योरी चैप्टर्स ही हैं. जब आप CMA इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखोगे तो यू विल सी सम स्पेसिफिक थ्योरी चैप्टर्स.
वो थ्योरी चैप्टर्स तब पढ़ेंगे या तब समझ में आएगा जब हमारा प्रैक्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा। अभी आप फर्स्ट जैसे थ्योरी पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से जाएगा, बट सारा प्रैक्टिकल कर लोगे तो जो स्पेसिफिक थ्योरी चैप्टर हैं एज वेल एज आपका जो प्रैक्टिकल रिलेटेड थ्योरी है वो तो साथ साथ मैं करा ही दूंगा, बट स्पेसिफिक थ्योरी चैप्टर जो है वो आपको लास्ट में कराया जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम का ऑब्वियसली ज्यादा समय जो हम लोग क्लास में पढ़ाई करेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ चलेगा, और अलग से जो थ्योरी है जो एग्जाम में आ सकता है वो सिलेबस के लास्ट में होगा। ठीक है, सिलेबस के लास्ट में होगा। मैं आपको उसका फिर वीडियो एक्सेस भी दे दूंगा कि आप उसको घर पे भी आराम से बैठ के कर सकेंगे। मतलब आपको थ्योरी ऐसा चाहिए होता है ना कि एग्जाम के पहले भी कोई पढ़ा दे तो अच्छा है, उस दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा पढ़ाने के लिए, उस समय वो वीडियो क्लास के थ्रू आपका काम बना दूंगा। ओके, आपका एग्जाम में कुछ एमसीक्यू भी आने का प्रोग्राम होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स होता है, बट अगेन ज्यादातर थ्योरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने क्या किया है, हमारे वेबसाइट में एक टेस्ट सीरीज बनाया है, वो अगेन तभी आप देने के काबिल होंगे जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो टेस्ट सीरीज आपका इंस्टीट्यूट मैट में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कंसिडर करके और नए कुछ क्वेश्चन को कंसिडर करके बनाया गया है, जिसमें आपको जब आप टेस्ट दोगे तो ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शंस आएंगे, जैसे ए बी सी डी ऑप्शन आप चूज करते हो, वो चूज करोगे ऑटोमेटिक वो आंसर गलत है कि सही है वो टेस्ट सबमिट करने पे पता चल जाएगा। अगर सही है तो करेक्ट आ जाएगा, अगर गलत है तो वहां पे एक्सप्लेनेशन आएगा कि यहाँ पे ये वाला आंसर सही था। वो टेस्ट सीरीज आप कब देंगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब। इंटरेस्टिंग बात ये टेस्ट सीरीज का कि आप जब टेस्ट देंगे और आपका दोस्त जब टेस्ट देगा, दोनों को अलग अलग पेपर मिलेगा। आप एक बार टेस्ट देके दोबारा जब टेस्ट देंगे तो क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है वेबसाइट पे, वो कंट्रोल डाला हुआ है। ये नहीं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में ही एमसीक्यू आता है, आपका जितना सब्जेक्ट है सब में एमसीक्यू है। ठीक है, न्यू सिलेबस में तो इसके लिए हमने आपके लिए, आप सबके लिए इनफैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एमसीक्यू डाला हुआ है हमारे वेबसाइट पे, चैप्टर बाय चैप्टर। ऑपरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर बाय चैप्टर नहीं है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा है, एक साथ मिला के है, इसलिए सिलेबस के एंड में। आप लोग कॉस्ट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, दिस इज योर चॉइस, बट आपको कॉस्ट का भी एमसीक्यू मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, और वो चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, तो वो भी आप अवेल कर लेंगे। कभी मैं और आपको समय लेके वेबसाइट पे कैसे करना है वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू की भी तैयारी करनी है, यही मैं आपको बता रहा हूं। ऑपरेशन मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स डाला गया है। इंस्टीट्यूट मैट आप जब खोलेंगे, आप सबको मिल गया इंस्टीट्यूट मैट? हाँ, सबको मिला है, लेके आया इंस्टीट्यूट मैट, दिखाओ। हेलो, ये नया इंस्टीट्यूट मैट आया, देखिए कलर वालर थोड़ा अच्छा कर दिया है, बुक को पतला कर दिया है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर हम इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से चलें तो इस बार उन्होंने लेटेस्ट मैट में, ये मैट का एडिशन है अप्रैल 2017 का मैट, ये रीप्रिंट बोल के आया है। रीप्रिंट मतलब वापस से प्रिंट किया गया, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। इसके पहले जो मैट था वो था अगस्त 2016 एडिशन का मैट। इस मैट में जो कंटेंट इन्होंने बनाया है उसमें दिखा रहा है चैप्टर नंबर है 1 से 10, जिसमें से चैप्टर नंबर 8, 9, 10 तीन चैप्टर में लाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, और चैप्टर 1 to 7 आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट है।
इसमें से कुछ चैप्टर प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, जिसको अभी से पढ़ने से कुछ भी नहीं घुसेगा दिमाग में, हम लोग सिलेबस के एंड में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर्स में मैंने जैसे बोला प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है, तो मैंने क्या किया, जितना इसमें प्रैक्टिकल है उसको समझ के अपना एक मैट बनाया। ये मैट SJC का मैट आपको मिलेगा, किसी को छोटा वाला मिलेगा, अभी लेटेस्ट हम लोग बस इसको रीप्रिंट कराए हैं बड़ा में, क्योंकि छोटा में प्रॉब्लम क्या है कि पेजेस ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा हाथ में पकड़ने में दिक्कत होता है, जिसको मिला है उसको ठीक है, छोटा को बंद करके पकड़ने में इजी होता है, बड़ा को बंद करके पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमने दो तरह का मैट मंगवाया, किसी को छोटा वाला मिलेगा ऐसा, किसी को बड़ा मिलेगा, मैटर एक ही है, बस प्रिंट साइज का फर्क है। ओके, तो इसका जो मैट हमने बनाया है वो SJC के कन्वीनियंस के हिसाब से बना दिया गया है। SJC's कन्वीनियंस मतलब जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से बनाया गया है। मतलब मेरे मैट में 7 चैप्टर नहीं है, मेरे मैट में एक्चुअली 19 चैप्टर है, जिसको काट के 18 कर दिया जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए चैप्टर नंबर 1 to 18 पढ़ाया आपको। देखिए जिनके पास मैट है अगल बगल आप कनेक्ट हो जाइए, उसमें पार्ट 1 में आपको चैप्टर 1 to 19 दिखेगा, उसमें से 18 तक ही पढ़ना है, 19 नंबर सिलेबस से हटा दिया गया, अभी चैप्टर नंबर 19 सिलेबस से हटा दिया गया है, सिर्फ चैप्टर 1 to 18 ही पढ़ना होगा। और इस मैट में जो मैंने बनाया है, देखिए 4 पार्ट है, पार्ट 1 में चैप्टर 1 to 18 है जो सारा प्रैक्टिकल और थ्योरी कनेक्ट करता है, उसके बाद पार्ट 2 में खाली थ्योरी है, खाली थ्योरी, ओनली थ्योरीज। और वो थ्योरी अगेन हमने क्या किया, आपका हर चैप्टर को पढ़ लिया और उसका जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हेडिंग है उस सब का बुलेट नोट्स बना दिया, बुलेट में छोटा छोटा नोट्स बना दिया। मतलब इट इज नॉट कॉपी पेस्ट ऑफ योर मैट, इट इज व्हाट, इट इज समराइज्ड वर्जन ऑफ थ्योरीज इन योर मैट। ओके, इसमें पार्ट 3 हमने रखा है जिसमें आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं, सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस और आंसर्स सॉल्व किए हुए हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली स्कैनर बोलते हैं, स्कैनर स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर यूजुअली मैं नहीं कराता हूं चला के अलग से, ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। ओके, मैं जब थ्योरी क्लास लूंगा तो मैं इससे पढ़ाऊंगा, उसके अलावा ये भी सेल्फ के लिए रखा गया है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो इस समरी से रिवीजन करेंगे। इस बुक का पार्ट 4 है जिसमें हमने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर, जिससे कि एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचे तो आपको कुछ भी नया ना लगे। लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार के मैट में अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वो 2016 जून तक का है, उसके बाद के क्वेश्चन पेपर आपको खुद से डाउनलोड कर लेने होंगे। समझ गए क्या? ऐसा नहीं सोचे कि CMA इंटर न्यू सिलेबस में OM का 2 ही एग्जाम हुआ है तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पेपर देख के जाना है, ऐसा नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर देख के जाना होगा। कितना क्वेश्चन पेपर? 5। तो बाकी 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 2 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे कोर्स में बीच में समय बचा, लास्ट में समय बचा मान लीजिए, तो मैं आपको क्लास में करा सकता हूँ, बट आपका एक काम है कि आप क्या कर लेंगे, अपने से इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे जाएंगे, अपना ICMA.in, उधर स्टूडेंट पोर्टल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें मेरे इसी सब्जेक्ट का नहीं, जितना सब्जेक्ट है आपका सब का, आपको 5 पेपर चाहिए, वो 5 पेपर में 2 पेपर मिनिमम सॉल्व करोगे और 3 पेपर देख के जाओगे कि इसमें क्या क्या आता है, सो दैट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम हॉल। वरना एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पढ़ना नहीं आता, क्वेश्चन पेपर से आइडिया नहीं होता कि
कि सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आता है, ये सब जो मैं इतना आपको श्योर शॉट बता रहा हूँ कि ये पेपर में कितना मार्क का प्रैक्टिकल आता है, कितना थ्योरी आता है, एमसीक्यू आता है, कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर देखा तभी बताया। तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं सोचना कि अभी क्या ज़रूरत है, जब कोर्स ख़त्म होगा तब देखेंगे। ऐसा पढ़ाई करते हैं जिनको सिर्फ धक्का खा के पास होना है। अगर आपको ऐसा पढ़ाई करना है कि हमें अच्छे नंबर से पास होना है, सिर्फ 40 लाख के पास नहीं होना, तो आपको जो काम बाकी लोग लास्ट में करते हैं आप फर्स्ट डे कर लेंगे। फर्स्ट डे एटलीस्ट डाउनलोड तो करके रखिए, अगर प्रिंट आउट का साधन है तो प्रिंट आउट करा के हाथ में रखिए। सो इफ यू डू दिस यू रिमेन मोर अश्योर्ड कि आपका पास होने का चांस ज्यादा है। जैसे जैसे कोर्स में कोई सब चैप्टर खत्म हुआ, क्वेश्चन पेपर के ऊपर नजर रखोगे ना तो ध्यान आएगा, अरे ये चैप्टर में सर ने कराया था, ये एग्जाम में भी आया था, तो वहां पे चैप्टर नेम लिख दिया कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, सर ने जो पढ़ाया वो देखो वो आता भी। प्रैक्टिकल के लिए मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, एग्जैक्ट मैचिंग करा देंगे। लेकिन थ्योरी के लिए कोई गारंटी नहीं है। थ्योरी इस सब्जेक्ट का यूजुअली बच्चा लोग कैजुअली लेता है, पढ़ लेंगे, लेकिन होता क्या है लास्ट मोमेंट तक छूट जाता है। तो थ्योरी जब भी मैं पढ़ाऊं तो बहुत सीरियसली लेना, और अगर मैं कुछ बोलूं कि सेल्फ में पढ़ना है जब सिलेबस खत्म होने लगे, तो प्रैक्टिकल भले ही बाद में रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो तो क्लास में सर ने कराया वो तो हो ही जाएगा, थ्योरी पहले रिवीजन करना, क्योंकि थ्योरी याद रख के जाना पड़ेगा, थ्योरी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है सर, ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जनरली स्कोर कैसा आता है बच्चों का? देखिए अपने यहाँ से तो 80+ 90+ भी आया हुआ है, 90+ भी आया हुआ है अपने यहाँ से, बट जनरली हमने देखा है सिंस इस सब्जेक्ट की कोचिंग हर जगह मिलती नहीं है, सब जगह पढ़ाते नहीं है, तो इस कारण से इस सब्जेक्ट को बच्चे समझ नहीं पाते। तो जो थ्योरी में पढ़ पढ़ा के चले गए, जैसे जब आपको क्लास नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल छोड़ोगे, प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा है, थ्योरी पढ़ पढ़ के जितना सक पाए उतना स्कोर कर लिए। किसी का ओएम में स्कोर कम आ गया तो एसएम बचा लिया, ऐसा बहुत लोगों का होता है। एसएम ऐसा है कि थोड़ा सेल्फ रीडिंग से समझ आ भी जाता है, बट ओएम समझ नहीं आता, बट थ्योरी में वो बच्चा बच जाता है, थ्योरी पढ़ के जाता है और एसएम चला देता है, पास हो जाता है। तो आपको ऐसा सोच के तैयारी करना है इस सब्जेक्ट का हमारे साथ कि आपका ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हो ग्रुप 2 का। इसमें मतलब 60 तो पास मार्क रहेगा हमारे लिए, हम लोग अपने आप को पास मानेंगे 60 में, दुनिया वाले 40 को मानते हैं, हम लोग 60 को पास मार्क मानेंगे। बट उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, साथ कैसा कि जो मैं पढ़ाऊं वो घर जाके पढ़ना होगा, दूसरा होमवर्क जो दूं वो हमेशा करना होगा, तीसरा थ्योरी अगर पढ़ने बोलूं तो कभी भी डेफर नहीं करोगे, तो उसको तुरंत पढ़ के खत्म करोगे, चौथा जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बनाया उसका पूरा फायदा उठाओगे, उसमें 2-3 बार टेस्ट देके देखोगे, क्योंकि एमसीक्यू में स्कोर का बहुत अच्छा चांस होता है। तो अगर आप ये सारा बात को फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपका जो उम्मीद किया हुआ अभी मार्क्स है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में फिलहाल के लिए आप ये जरूर लिख लें कि ये सीएमए इंटर न्यू सिलेबस में कॉपी में नोट करके रखें, 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल इसमें 50% है, थ्योरी 50% है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट मैट का एनालिसिस लिख लें कि चैप्टर 1 टू 7 इसमें ओएम है और चैप्टर 8 9 10 यहाँ पे एसएम है।
फिर लिखो एसजेसी मैट में चार पार्ट है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। एसजेसी मैट में चार पार्ट है, पार्ट वन आप लिख लो प्रैक्टिकल्स, पार्ट टू लिखो ओनली थ्योरीज, पार्ट थ्री लिखो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स जिसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं, पार्ट थ्री पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और पार्ट फोर लिखो क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में मस्ट सॉल्व लिख के रखिए लास्ट फाइव क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट फाइव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पहली क्लास में फॉर्मूला सारा बता दिया, दूसरा फॉर्मूला मिलेगा जब मेरा पहला चैप्टर खत्म होगा, और तीसरा फॉर्मूला मिलेगा जब सिलेबस खत्म होगा। सर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, दवाई लिख के दे सकते हैं, घर जाके दवाई कौन लेगा, अपने आप लेना होगा ना। मतलब आपको यह समझ लेना है कि आप एक पेशेंट हैं, इलाज कराने आए, और हम लोग बस दवाई लिख के दे सकते हैं। हम लोग यहां पे सर्जन नहीं है कि आप आएंगे, लेट जाएंगे, सर एनेस्थीसिया डालिए, बॉडी खोलिए, जो करना है करिए, सिलाई कर दीजिए, हम उठ के चला जाएगा। वैसा क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग डील नहीं करते हैं, यह ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये डॉक्टर्स चेंबर है। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट कुछ करने लायक नहीं है, उसको लेटाना होगा, बॉडी खोलना होगा, जो करना होगा अंदर डाल देना होगा, दवाई अंदर डाल के उसको पैक करके भेजना होगा। होता क्या है, आप लोग सोचते हैं सर लोग ऑपरेशन कर देंगे, हम तो जाके क्लास में बैठ गया, अब हम और क्या करें। बट आप क्लास में आके बैठे हैं तो खाली यहां कंसल्टेशन चल रहा है, समझ गए, आपको सारा काम घर जाके ही करना है, यहां पे इलाज नहीं होगा। आप लोग ये धारणा मन से निकाल दीजिएगा कि सर का जो टाइम है हम तो रोज उसमें चले जाते हैं, सर जो दिखाते हैं वो लिख लेते हैं, हो गया मेरा तैयारी, वो खाली कंसल्टेशन चल रहा है, उसके बाद एक होमवर्क का काम है, उसके बाद आपको रिवाइज करने का काम है, सिलेबस कंप्लीट होने पे क्वेश्चन पेपर पढ़ने का काम है, सॉल्व करने का काम है, उसके बाद एमसीक्यू का टेस्ट देने का काम है। ये सब दिमाग में पहला दिन ही बैठा लेना है कि इतना चीज करना है, तब जाके ये एग्जाम आसान लगेगा। ठीक है, हम लोग ओएम आपको बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, मतलब इनफैक्ट आई शुड अप्रेज माई सेल्फ कि मैं ओएम को पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह का क्लास देखा है, आठ क्लास दस क्लास में खत्म हो जाता है, यहाँ पे ओएम पढ़ने में मिनिमम 30 क्लास लगेगा मिनिमम। तो आठ दस में जो नॉलेज मिल रहा है और 30 में जो मिल रहा है, आप समझ सकते हैं सर ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आपको भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इट्स देन ओनली गिव एंड टेक पॉलिसी। मैं भी तो 10 क्लास में रैप अप करके बोलूंगा हो गया टाटा मेरा काम हो गया, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, जितना डेप्थ में जाके पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आपको भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, कैसे, रिविजन करके, होमवर्क करके, कैसे, थ्योरी को जब सर बोले तब जाके पढ़ लेना, एमसीक्यू टेस्ट जैसे देने बोले तभी देना, ये सारी ड्यूटी आपकी भी पूरी होगी तब आपका भी फायदा होगा, और आपका फायदा होगा तो थोड़ा बहुत हमारा फायदा होगा, करेक्ट, ओके। सो आपको यहां पे लिख के रख लेना कि जब मैट मिलेगा तो लास्ट दो टर्म का पेपर खुद से
डाउनलोड कर लेना, यानी मैट में देख लेना लास्ट कहाँ तक का पेपर है, उसके बाद के क्वेश्चन पेपर्स खुद डाउनलोड कर लेने। हमारे मैट में कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज डाल रखे हैं, कीपिंग इन माइंड कि इंस्टीट्यूट कभी भी फिराकी माइंड का हो जाता है, ऐसा चीज पूछने लगता है जो बुक में था ही नहीं। ऐसा होता ही, आप लोग फेस किया ही होगा। ग्रुप वन दिया गया आप लोग अभी सब पे? हाँ दिया है, कितना लोग दिया ग्रुप वन? बहुत लोग दिया। ओके, तो ऐसा हुआ क्या, कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जो आपको लगा ये बाहर से ही आ गया है, कहाँ था पता नहीं, ऐसा हुआ किसी पेपर में? जनरली होता है ऐसा, कभी ना कभी इनका दिमाग में कीड़ा काटता है, तो ये लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन उस समय कहाँ से पूछेंगे, पुराने सिलेबस से पूछ लेंगे, पुराने इंस्टीट्यूट मैट से पूछ लेंगे। तो सबको ध्यान में रखते हुए हमने आपका मैट बनाया। हमारे मैट को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें स्कैनर के सारे क्वेश्चन है। हमारे मैट में क्या क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ, स्कैनर के सारे क्वेश्चन है, यानी पास्ट पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था या यूनिक यूनिक क्वेश्चन था वो सारे हैं हमारे में। आपका जो इंस्टीट्यूट मैट है ना ये वाला, इसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट मैट ऑफ करेंट सिलेबस प्लस ओल्ड सिलेबस। ऐसा नहीं कि ओल्ड सिलेबस को हमने पूरा निकाल दिया है, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट मैट है ये भी इतना कंसाइज, आप देखिए इसके पहले वाला जो मैट होता था इंस्टीट्यूट का वो ओएम का खाली मैट 1200 पेज का था। झटका लगा, मैट दिखा दूंगा कभी, यहाँ आइएगा, उधर भारी है, अलग से रखा हुआ है, इधर रखते नहीं है, इमेजिन कर सकते हैं। फिर वो मैट काट के 400-450 पेज का बना, और अभी तो 150 पेज में खत्म है, ओएम पोर्शन 160 पेज में खत्म है। तो हुआ क्या, पहले कहानियां बहुत थी, सम्स भी ज्यादा थे, धीरे धीरे उन्होंने सब काटना शुरू किया, अभी बहुत लिमिटेड डिस्कशन है और सम्स भी बहुत कम है, सम्स भी काट दिए। तो हमने आपका सारा सम्स को बचा लिया, थ्योरी को कटने दिया, थ्योरी हमने ज्यादा नहीं उठाया, सम सारा उठा के रखा हुआ है। तो उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसा भी है जो आपका शायद इस मैट में हो नहीं, बट हमें लगता है कि वो रेलिवेंट है, इसलिए वो मैट में रहेगा। ये इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये क्लासेस हमारे ऑल इंडिया जाते हैं, तो कुछ बच्चे बाहर से फिर हमें मेल करते कि सर आप जो पढ़ा रहे हो इंस्टीट्यूट मैट में कहीं मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इस मैट में नहीं होगा, पुराने कोर्स के मैट में था, और हमें लग रहा है कि वो आपको नया कोर्स में भी पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बस भरोसा करिए कि सही जगह आ गए और जो सर पढ़ा रहे उसको पढ़ते जाइए, फिर एग्जाम पेपर को हाथ में उठाइएगा तो आपको पता चलेगा सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है।